सत्संग जी प्यार से कहना धन अहंकार जी। प्रेमा ने बोला धन अहंकार जी। आज भक्त इस रूप में जो संदेश, वो चाहे स्किट हो, कोई इनैक्टमेंट हो, कोई गीत रूप में या नृत्य रूप में, जो भी कला का सहारा लिया सभी भक्तों ने, वो एक हृदय के उद्गार संदेश इसी परमात्मा इस निरंकार से जुड़ने के, कि कैसे हर समय हर कोई ये खुशी में रहते हुए, आनंद मनाते हुए हर समय इस दातार के रंग में रंगा रह सकता है। ये एक लाइव एग्जाम्पल, ये कुछ पलों के लिए नहीं है, ऐसे सब महापुरुषों के दिल तो हर समय ही झूमते रहते हैं। ये दातार निराकार हमेशा जब एहसास में है तो ये जिंदगी ही त्योहार हो जाती है। तो ऐसी ही खुशी जहाँ आज भी जिक्र हो रहा है वैलेंटाइंस डे का, तो वो प्यार जिस तरह हृदय में हर एक के हमेशा बसा रहे और वही प्यार हर एक तक पहुंचाने के लिए हमेशा हम इच्छुक उस रूप में होते रहें, दातार कृपा करे। ये जो भक्ति, आनंद, विश्वास, ये जो तीन शब्द ही नहीं रह जाएं, ये हमेशा अपने जीवन में भक्त ये सेवा से मृत सत्संग करते हुए अपने ऐसे चीज़ों पे बहुत ही दृढ़ता से, ये बहुत ही लगन से, ये एक तरह से देखा जाए तो भक्ति करना बहुत मेहनत की भी चीज़ है, और दूसरी ओर देखा जाए तो भक्ति तो बिल्कुल उस प्रकार सहज है कि एक क्या विश्वास, एक का जब पहचान हो जाती है तो ये विश्वास होते ही फिर ये भक्त अपने जीवन में कैसे आनंद लेते हुए जिस प्रकार बिल्कुल एक वेटलेस होके उस तरह ही अपने जीवन में सारे कार्य करते हुए ये भक्ति करते जाते हैं। तो दातार सभी के जीवन में जहाँ सेवा सिमरन सत्संग के गुण और मजबूत करता जाए, वहीं फिर वही अरदास जो सभी कर रहे थे अभी भी, कि कब ये फिजिकल रूप में संगतें भी खुलें, तो ऐसा ही लग रहा है कि अब बहुत ही जल्दी वो रूप फिर से बन पाएंगे। तो जैसे भी ये गाइडलाइंस आती रहेंगी, गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल्स होंगे, वो हम सब ने मिलकर सत्संग रूप जब फिर से स्टार्ट करना है तो वो सारे नियमों का बहुत ही ध्यान से करते हुए, और दातार सभी को फिर से वही आनंद के नज़ारे बख्शे, और एक दूसरे की चरण रज लेते हुए ये सत्संग भी हर कोई कर सके। दातार कृपा करे हर एक पे कि अपनी भक्ति भी सब मजबूत करते जाएं और पूरे संसार के लिए एक ऐसा फूल बन के जिएं जो सिर्फ और सिर्फ खुशबू बिखेरता है, प्यार बिखेरता है। तो दातार सभी पे कृपा करे। सत्संग जी, धन अहंकार जी।